ब्रह्मास्त्र। तो फाइनली मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी देख ली, और देखने के बाद जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है बाइकॉट, कुछ लोग कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, ज़्यादा लोग तो इतनी नेगेटिविटी नहीं फैला रहे लेकिन कुछ फिर भी है। और दूसरी बात कि क्या सच में बॉलीवुड की ये मूवी जो ब्रह्मास्त्र है वो इतनी बेकार है कि बाइकॉट कर देनी चाहिए, या फिर इतनी अच्छी है कि ये मूवी सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख देगी। तो रियलिटी क्या है, मुझे ऐसा क्या इस मूवी में लगा, तो मैं ये सब आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ब्रह्मास्त्र मूवी की पहले मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता दूँ जो कि मुझे लग रहा है कि अयान मुखर्जी को शायद इन सब चीज़ों पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। नंबर वन, लव स्टोरी। देखिए, जब भी एक एक्शन पैक मूवी होती है ना, और उसमें अगर आपको लव स्टोरी दिखानी है, तो मुझे लगता है कि SS राजामौली का जो तरीका है ना, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। किसी पर्सन के लिए किसी दूसरे पर्सन को कितना केयर कर रहा है या फिर किस तरह से उसे प्यार है, वो आप कितने कम समय में कितना इफ़ेक्टिव तरीके से बता पाते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि अगर स्टोरी में लंबी स्टोरी हो, या मतलब 2 घंटे से ऊपर की अगर कोई मूवी है, और उसमें ही अगर आप आधा घंटा या 40 मिनट में एक लव स्टोरी दिखाने में समय बिता देते हो, तो वो एक तरफ से लेंथी लगने लगता है और रिपीटेबल लगने लगता है, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी में स्टार्टिंग के कम से कम 40 से 45 मिनट इन दोनों के बारे में दिखाया गया। रणवीर सिंह क्लब में जा रहे हैं, वो आलिया भट्ट के पीछे घूम रहे हैं, और ये बहुत थोड़ा लेंथी ज़्यादा ही हो गया। मुझे लगता है अगर इफेक्टिवनेस दिखाना चाहता तो उन्हें एक ऐसा तरीका सोचना चाहता। मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ, अगर मैं डायरेक्टर होता या फिर मेरे पास इतना दिमाग होता कि मैं कुछ ऐसा सोच पाता, लेकिन क्योंकि अयान मुखर्जी इसका डायरेक्टर है तो शायद उन्हें कुछ ऐसा सोचना चाहिए था जिससे वो कम समय में उस लव स्टोरी को इफ़ेक्टिव दिखा पाते, ताकि उनकी जो बाकी की स्टोरी है उसमें वो कुछ एनहांस करके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सोच करके डाल पाते। नंबर दो बात कि जब भी डायलॉग्स आते हैं तो स्टोरी अस्त्रों के ऊपर है, ब्रह्मास्त्र, जल का अस्त्र, अग्नि अस्त्र, और इस तरह से जो है स्टोरी है, लेकिन डायलॉग्स जब आते हैं वो शायद जो माइंड में हमारे चल रहा है, क्योंकि जब हमें थोड़ा संस्कृतराइज वर्जन लगने लगता है हर एक चीज़ का, जब भी हम अस्त्रों के बारे में सोचते हैं या फिर इस तरह से सोचते हैं, तो संस्कृत और जो डायलॉग्स होते हैं वो भी हम थोड़ा उसी वे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्योंकि मॉडर्न उस पर स्टोरी बेस थी, और जो डायलॉग्स आलिया भट्ट के मुंह से निकल भी रहे थे, या कुछ डायलॉग्स तो रणबीर कपूर के मुंह से भी निकल रहे थे, वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे कुछ जगह पर। ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कुछ तो कमी है डायलॉग्स में, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अयान मुखर्जी को डायलॉग्स में थोड़ा एक, कोई भी मुझे नहीं लगता इसमें से आपको कोई आइकॉनिक डायलॉग्स सुनने को मिलेगा जो कि बाद में आप उसे यूज़ कर पाओगे, या फिर बच्चा बच्चे को कोई डायलॉग याद हो गया होगा। मुझे खुद भी कोई ऐसा बड़ा डायलॉग याद नहीं हुआ जो कि मुझे लगा हो कि यार ये डायलॉग ना कमाल का है। अब बाहुबली मूवी के आपने कई डायलॉग देखे होंगे, या फिर RRR मूवी के आपको कई डायलॉग याद होंगे, KGF मूवी, पुष्पा मूवी, इनके आपको कई सारे डायलॉग ऐसे हैं जो कि अभी भी याद होंगे, तो वो बात जो है इस मूवी में हमें नहीं देखने को मिली। जैसे एक डायलॉग हमेशा ही याद होता है बाहुबली का, कि जो औरत पे हाथ डालता है उसका हाथ नहीं उसका तो गला काटते, तो ये डायलॉग सब भी याद। तो इस तरह से कोई आपको डायलॉग अभी तक जो है याद नहीं होगा। हालांकि ये जो नेक्स्ट पार्ट आना है उसमें मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट इन सब चीज़ों में करने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। नंबर 3 कि लव स्टोरी की जगह पे अगर थोड़ा सा पार्ट बढ़ा करके, जो कि शाहरुख खान का पार्ट था और साउथ के जो एक्टर थे नागार्जुन उनका जो पार्ट था, क्योंकि इन दोनों का एक्टिंग ज़बरदस्त थी, और मुझे लगता है शाहरुख खान जो है इस रोल में ज़बरदस्त जचने वाले थे, अगर उन पर इस रोल पर एक सेपरेट मूवी बनाई जाती, लेकिन क्योंकि उन्हें शायद इस मूवी में मार दिया गया है, शायद क्या मार ही दिया गया, तो अब आने वाले समय में उनकी मूवी सेपरेट तो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर शाहरुख खान
के अस्त्र पे एक सेपरेट मूवी बनती तो शायद मजा आ जाता। और नागार्जुन का भी जो कैरेक्टर, उसको भी काफ़ी शॉर्ट रखा गया है, उसको भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। तो इन दोनों ही कैरेक्टर को जो है वो मार दिया गया है। तो यहाँ पे शायद लव स्टोरी को थोड़ा सा 15 मिनट कम करके या 20 मिनट कम करके, अगर आप लव स्टोरी को 15 से 20 मिनट रखते इफेक्टिव बनाते हैं, और जो बाकी के 15-20 मिनट इन्होंने लव स्टोरी में लिए हैं उसको आप दिखाते, अगर शाहरुख खान के कैरेक्टर और नागार्जुन के कैरेक्टर को, तो शायद स्टोरी निकल के और ज़्यादा सामने आती है। और फिर अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगे जिनमें शायद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत थी। और नंबर 3 बात स्टोरी। देखिए, अयान मुखर्जी ने काफ़ी सालों तक मेहनत की स्टोरी में, लेकिन अगेन स्टोरी में दम तो है, और ये स्टोरी मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट इन्होंने पकड़ा है उसके मुताबिक स्टोरी और बड़ी हो सकती थी, स्टोरी और इफेक्टिव हो सकती थी। अब बात करते हैं अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ें इस मूवी में क्या क्या है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा स्टोरी में भले ही थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लेकर के आया अयान मुखर्जी वो काबिल थी। और मुझे लगता है बॉलीवुड में नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, और अयान मुखर्जी वो कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं जो कि दर्शकों ने दिल से पसंद भी किया, और दर्शक वो प्यार जो है थिएटर्स में दिखा दे रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने कुछ नया करने की ट्राई की जो कि लोग अब पसंद भी कर रहे हैं, और आपने एक उस लेवल के एवरेज लेवल के लेवल पे इस मूवी को बनाया भी ताकि लोग जो है देखे तो बिल्कुल निराश ना हो, और लोग एक मूवी को जो है कुछ पार्ट ऐसे थे मूवी के जिसे पसंद भी कर सके। अगर मैं बात करूँ तो VFX, यार ये मैं कह सकता हूँ कि VFX के मामले में इस मूवी को तो शायद ही कोई मूवी इंडिया में बीट कर पाए, क्योंकि इतने ज़बरदस्त VFX इस मूवी में थे जो कि आप नॉर्मली इंडियन मूवीज़ में आपको देखने को नहीं मिलते। हॉलीवुड मूवीज़ से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि हॉलीवुड मूवीज़ से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। VFX इसमें काफ़ी अच्छे थे। अब इस मूवी में जो विलन दिखाया गया है ना, वो बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। लास्ट में आकर के हमेशा ही हीरो जीतता है, ये सभी मूवीज़ में होता है, और विलन को हरा दिया जाता है, लेकिन इस मूवी में विलन और जो हीरो है दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही बराबर के टक्कर। और यहाँ पर हमें यह दिखाया गया कि विलन जो है ज़्यादा पावरफुल है, तो जब विलन ज़्यादा पावरफुल होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये हमेशा डर बना रहता है कि जो हीरो है वो मर तो नहीं जाएगा, हीरो को किस तरह से विलन मारेगा या फिर हीरो को किस तरह से हराएगा। तो वो सब इस मूवी में भी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सेकंड पार्ट इस मूवी का आने वाला है, देव जो कि इस मूवी में विलन है, और अब रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है शिवा का, वो सेकंड पार्ट में किस तरह से भिड़ने वाले हैं वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की जो शक्ति है वो दोनों के पास है। अब बात करते हैं एक और प्लस पॉइंट की जो मुझे लगा, वो था इस मूवी का आप कह सकते हैं एक कैरेक्टर से दिखाना ना, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है अग्निदेव। तो अग्निदेव की जो शक्ति है ना, वो रणबीर कपूर के पीछे एक बड़ी सी परछाई बन करके दिखती है, बड़ी सी अग्निदेव बन करके दिखती है। और अगर जल स्तर की बात करें तो, और जो नागार्जुन के पास था नंदी स्तर, उसमें नागार्जुन के पीछे बड़ा सा नंदी दिखाई देता है, उसमें बताया भी गया है कि 1000 नंदी की शक्ति है एक नंदी स्तर। तो कहीं ना कहीं ये सब कैरेक्टर जिस तरह से दिखाए गए हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वानर स्तर, अब वानर स्तर था शाहरुख खान के पास, और उनके परछाई के पीछे बड़ा सा वानर दिखाया गया है, जो कि अपने आप में एक दिखाता है कि नहीं कुछ तो ऐसा नया बॉलीवुड ने किया, नया सोचा, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि अब सेकंड पार्ट में हमें किस तरह से देखने को मिलेगा सब कुछ, वो देखने इम्पोर्टेंट रहने वाला है। म्यूज़िक भी आते हैं, 2 से 3 गाने इस सॉन्ग में चलते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं सॉन्ग। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कुछ खामियाँ ज़रूर थी मूवी में, लेकिन प्लस पॉइंट भी मूवीज़ के थे। तो बाइकआउट करने जैसी बात इस मूवी के लिए मुझे नहीं लगती। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो गुरु का कैरेक्टर निभा रहे हैं, ज़बरदस्त उन्होंने भी काम किया, और उनकी तो फाइटिंग भी कुछ जगह पे काफ़ी इम्प्रेसिव दिखाई दी।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो मेन अट्रैक्शन जो मूवी में बने हैं ओवरऑल, शायद अगर आप कहें तो रणबीर कपूर से ही ज़्यादा जो इस मूवी में चमका है एक्टर या एक्ट्रेस, वो है रोनी, जो विलन का किरदार निभाई है। उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया है, मतलब कि विलन जो होता है वो सीरियसली विलन उनमें दिखा है और पूरी जी जान से ऐसा लगता है कि उन्होंने उस विलन का किरदार निभाया है। प्रैक्टिस ज़बरदस्त की है, जिस तरह से भी उनकी आँखों में, उनके गुस्से में, और जिस तरह से उन्होंने डायलॉग भी बोले, उनका एक भी डायलॉग फेक नहीं लगा है, एक भी डायलॉग ऐसा नहीं लगा है जिसमें आप कहें कि यार डायलॉग जो है उनका चच नहीं रहा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के डायलॉग जब वो बोलते हैं तो उसमें ज़रूर आपको लगेगा कि यार डायलॉग में वो बात नहीं आ रही, लेकिन जब रोनी उस डायलॉग को बोलती है ना, तो वो अंदर से एक विलन वाला डायलॉग निकलता है। तो वो एक मैं कह सकता हूँ प्लस पॉइंट था, रोनी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था। उन्होंने विलन का कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा लगा है। ओवरऑल ये कहूँगा कि ये मूवी अब बाइकआउट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ लेकिन हाँ ऐसी भी नहीं है कि आप इसे कहें परफेक्ट मूवी। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन मूवी देखने वाली है और थिएटर में अगर आप मूवी देख रहे हो तो ही मज़ा है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस मूवी को ज़रूर देखें और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया आप कह सकते हैं कि स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो बाइकआउट से बाहर आए और इस मूवी को ज़रूर देखें। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह से मूवी रिव्यू जानने के लिए। और ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं किसी भी ऐसा नहीं कि मैं मेरे को कोई पार्टी ने इस मूवी रिव्यू करने के लिए कहा है, ऑनेस्ट रिव्यू। कल अब आप डिसाइड करें आपको जाना है नहीं जाना है, मूवी देखें या नहीं देखें, सब कुछ। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।